प्रभातम। आज हम हमारा एकादश पाठ है मातृभूमि नमः को जो है शेष जो है कार्य को पूरा करेंगे। हमने जो है यहां तक कर लिया था वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद शिशिर हेमंत चय षट ऋतु है एकदम देशम मनोरमम कुर्वन्ति। ये छह ऋतुएं जो है ये हमारे देश को बहुत ही मनोरम बनाती हैं करती हैं। आगे है जना जना कश्मीर प्रदेशम कश्मीर प्रदेशम पृथिव्याम पृथिव्याम स्वर्गम स्वर्गम कथयन्ति। ऋषीणाम मुनीनाम मुनीनाम एकस्मिन् एकस्मिन् देशे देशे वैज्ञानिका वैज्ञानिका कवय है वीरा नारीय चे ए भवन ए भवन वेदाः अत्र एव अत्र एव प्रकटिता प्रकटिता ए भवन ए भवन। आगे कहता है अत्र अनेका अत्र अनेका भाषा विविधा संस्कृते भाषा संस्कृते विभिन्ना विभिन्ना वेशभूषा प्रचलिता सन्ति प्रचलिता सन्ति। पुरा भारतम पुरा भारतम व्यापारस्य व्यापारस्य ज्ञानस्य विज्ञानस्य च विज्ञानस्य
विज्ञानस्य च केन्द्रं केन्द्रं आसीत्। केन्द्रं आसीत् अद्यापि अद्यापि भारतस्य अद्यापि भारतस्य वैज्ञानिका वैज्ञानिकाः गणितज्ञा गणितज्ञः चिकित्सकः चिकित्सकः कलाकारः चिकित्सकः कलाकारः कारः च कलाकारः च स्वे क्षेत्रेषु श्रेष्ठा सन्ति ते संपूर्णे संपूर्णे विश्वे जन्मभूम्यः गौरवं वर्धयन्ति। मातृभूमे समृद्धे उन्नतये हिताय रक्षणाय च वयम् सर्वदा कृतसंकल्पा इसमें मातृभूमये नमः। ये हमारा शेष जो है इस अध्याय का बचा हुआ था, तो अब हम इसको जो है देखते हैं इसमें क्या हमको संदेश दिया गया है इस पाठ के अंदर। जना लोक कश्मीर प्रदेशम पृथ्वीव्याम स्वर्ग कथयन्ति। कहता है कि लोग जो है कश्मीर प्रदेश को पृथ्वी का स्वर्ग कहते हैं, स्वर्गम कथयन्ति, पृथ्वी का स्वर्ग कहते हैं। ऋषिणाम मुनीनाम एतस्मिन् देशे वैज्ञानिकाः कवयः वीरः महत्यनार्यः च। कहता है कि
ऋषि मुनि नाम एकस्मिन् देशे वैज्ञानिका, ऋषि मुनियों के इस देश में वैज्ञानिक, कवि कवि वीरा बहुत बड़े बड़े योद्धा, वीर लोग, महत्व बहुत ही महान नारियां और बहुत महत्व महान नारियां हुए। वेदा अत्र एव प्रकटिता एभवन। और वेद जो है, जो हमारे शास्त्रों के अंदर चार वेद बताए गए हैं, वो चारों वेद जो है वो भी वेदा अत्र एव यहीं पर ही प्रकटिता एभवन प्रकट हुए हैं। यानी कि वेद जो है उनको जो है हमारे देश के अंदर ही लिखा गया है, यहाँ पर प्रकट हुआ बताया गया है। अत्र अनेका भाषा, अनेक यहाँ पर जो है अनेकों भाषाएं, विविधा संस्कृतियां और विभिन्न प्रकार की अलग अलग तरह की संस्कृतियां, विभिन्न वेशभूषा प्रचलिता संति। और हमारे देश में विभिन्न प्रकार की वेशभूषा यानी कि पहनावा जो है आज भी प्रचलित है। कहता है कि पुरा भारतम व्यापारस्य ज्ञानस्य विज्ञानस्य च केंद्रम आसीत्। प्राचीन भारत में पुराने समय में जो है व्यापारस्य ज्ञानस्य व्यापार का और ज्ञान विज्ञान का केंद्र था। हमारा प्राचीन भारत जो है यह व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था और ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में भी यह अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखता था। कहता है अद्यापि भारतस्य वैज्ञानिका, गणितज्ञा, चिकित्सका, कलाकारा च स्व क्षेत्रेषु श्रेष्ठा सन्ति। कहता है आज भी अद्यापि भारतस्य वैज्ञानिक, आज भी हमारे यहाँ जो भारत के वैज्ञानिक हैं, जो भारतीय वैज्ञानिक हैं, जो गणितज्ञ हैं, बड़े बड़े गणितज्ञ हैं, चिकित्सका और चिकित्सक हैं, डॉक्टर इत्यादि जो हैं, वैद्य इत्यादि जो है, कलाकार बड़े बड़े हमारे देश के अंदर कलाकार जो है वे स्व स्व क्षेत्रेषु अपने अपने क्षेत्र में श्रेष्ठा सन्ति, सर्वश्रेष्ठ हैं। अपने अपने क्षेत्र में कलाकार हैं, वैज्ञानिक हैं, चिकित्सक इत्यादि हैं, डॉक्टर इत्यादि हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं, बड़े बड़े गणितज्ञ हैं, ये अपने क्षेत्र के अंदर श्रेष्ठ हैं, सर्वोत्तम हैं। फिर कहता है ते संपूर्ण विश्वे जन्म भूम्या गौरवम वर्धयन्ति। और कहता है ये सभी लोग जो हैं संपूर्ण विश्व में, पूरे संसार के अंदर हमारी जो जन्मभूमि है, हमारी जो भारत माता है, उसके गौरव को जो है बढ़ाते हैं, उसकी शान को जो है आगे बढ़ाते हैं। तो कहता है मातृभूमि संवर्धे उन्नते हिताय रक्षणाय च वयम सर्वदा कृत संकल्पा इसमें। और फिर आगे कहता है कि मातृभूमि की समृद्धि के लिए, इसकी उन्नति के लिए और इसके हित के लिए और इसकी रक्षा के लिए हम सब, वयम हम सब सर्वदा हमेशा कहता है कृत संकल्पा इसमें, दृढ़ संकल्पित है। अर्थात हम जो है हमारी भारत भूमि की, मातृभूमि की जो है समृद्धि उन्नति और इसके हित की रक्षा के लिए हम ये संकल्प लिया हुआ है कि इसके मान सम्मान को कभी भी हम झुकने नहीं देंगे, मिटने नहीं देंगे। मातृभूमि नमः, अतः मैं अपनी मातृभूमि को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। जय हिंद, जय भारत। आगे कहता है ये इस पाठ का जो है शीर्षक, प्रथम प्रश्न जो है, पहला प्रश्न जो है इसके अंदर कठिन शब्द दिए हुए हैं। कहता है पुत्रो अहम्, इनका आप उच्चारण करें और ध्यान से इनको पढ़ें और अपनी नोटबुक में लिखें। वाल्मीकिना जन्मभूमिश्च स्वर्गात अपि नगाधिराजे आच्छादिता सस्य श्यामला प्रक्षालयति हिमाद्रे ऋतवः संस्कृतः समृद्धे कृत संकल्पा शब्द रूपाणि पूर्यत। और अगला प्रश्न है शब्द रूपाणि पूर्यत, प्रश्न संख्या 2।
प्रश्न दो, प्रश्न दो, शब्द रूपाणी, शब्द रूपाणी पूरयत, शब्द रूपाणी पूरयत। इसके अंदर इकारांत स्त्रीलिंग शब्द, इसके अंदर क्या दिया हुआ है, इकारांत, इकारांत स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग शब्द। मुख्य शब्द, शब्द विभक्त है, विभक्त है, एक वचनम द्विवचनम और बहुवचनम, एकवचनम द्विवचनम और बहुवचनम। पहला है मति, मूल शब्द क्या है मति, और इसमें प्रथमा विभक्ति पूछी गई है, प्रथमा विभक्ति का, और क्या दिया हुआ है, एक द्विवचन दिया हुआ है मति, और हमको लिखना है एकवचन मति, मति और बहुवचन मतय, मति मति मतय। फिर है अगला शब्द है भूमि, वो शब्द क्या है भूमि, और इसके अंदर द्वितीय विभक्ति पूछा गया है, और प्रथमा विभक्ति भूमि, एक वचन में भूमि, भूमि और भूमि, भूमि भूमि और भूमि। अगला शब्द है नीति, अगला शब्द है नीति, और इसके अंदर तृतीय विभक्ति पूछी गई है, तृतीय विभक्ति नित्या